दोस्तों आज रिव्यू करने वाला हूँ जेनिथ न्यूट्रिशन के B100 कॉम्प्लेक्स के बारे में। B12 एंड B100 केमिस्ट शॉप पे ये मिल जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ले, B12 या B100। B100 बी कॉम्प्लेक्स है बट B12 सिर्फ B12 है। मार्केट में B50 एंड B100 नया लॉन्च हुए। B1, B2 एंड अदर्स बी विटामिन्स ऐड किया गया है B50 में। 50 मिलीग्राम बी विटामिन आपको मिलते हैं B50 में। ठीक इसी तरह से B1, B2 एंड अदर्स विटामिन आपको मिल जाते हैं। एक विटामिन बी ही ऐसा विटामिन है जिसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। वो क्यों? बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है, इसमें काफी सारे विटामिन है। बी विटामिन इंक्लूड थियामिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, बायोटिन, B12, फॉलिक एसिड एंड पेंटोजेनिक एसिड। जेनिथ न्यूट्रिशन के B100 कॉम्प्लेक्स में ये सारे बी विटामिन मौजूद है। This product is a combination of B vitamin and B vitamin used to prevent vitamin deficiency due to poor diet. दोस्तों आप सभी जानते हो vitamin दो तरह का होता है, एक है water soluble और दूसरा है fat soluble. Vitamin B water soluble vitamin है, इसलिए वो हमारे body पे लंबे समय तक store नहीं हो सकते। विटामिन B1 का सोर्स है मीट, पोर्क, ग्रेन्स, बीन, पोटैटो एक्सेट्रा। विटामिन B1 की कमी ज्यादातर वेजिटेरियन लोगों का ही होता है, जिनके डाइट पॉलिश राइस पर निर्भर है और जिनको अल्कोहल पीने का आदत है। जो फूड हम लोग लेते हैं उनसे ऊर्जा पाने में विटामिन B1 मदद करता है और इसके कमी से ड्राई एंड वेट बेरीबेरी जैसे रोग हो सकते हैं, जिसमें मेमोरी डिसऑर्डर, पूरे बॉडी में सूजन होना और हार्ट में भी उसका इफेक्ट हो सकता है। विटामिन B2 के सोर्स से मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स एक्सेट्रा। B2 हमारे त्वचा को हेल्दी रखता है, इसके कमी से स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस यानी मुंह में छाले जैसे डिजीज हो सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं B3 के बारे में, और B3 हमें मिलता है मीट, फिश, एग्स, राइस, सीरियल्स एक्सेट्रा, और इसके कमी से थकान महसूस होता है और आपको डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा का दर्द हो सकता है, पेलेग्रा डायरिया जैसे डिजीज आपको हो सकता है। आपको इसके कमी से मेमोरी डिसऑर्डर हो सकता है या डिप्रेशन में भी जा सकते हो। विटामिन B6 हमें मिलता है मीट, फिश, पोटैटो, बनाना और वेजिटेबल्स से। विटामिन B6 हमें प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसका डिफिशियंसी बहुत ही कम केसों में देखा गया है। प्रेगनेंसी के दौरान नजिया, वर्मिटिंग मतलब उल्टी होना जैसे तकलीफ होते हैं, ऐसे में विटामिन B6 लेने से उन तकलीफ कम हो जाता है। विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स का बॉस है, मतलब ये सबसे एसेंशियल है। इसके डेफिशिएंसी से आपको हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना, हाथ और पैरों में झुनझुनाहट हो सकते हैं, भूख कम होना, आंखों पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। ये विटामिन B12 हमें एग्स, फिश, मीट से मिलता है। मिल्क में भी ये मिलता है लेकिन उसका मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए जो वेजिटेरियन वाले होते हैं और साथ में मिल्क भी ना लेते हो तो उसे विटामिन B12 की कमी हो सकता है। दोस्तों बायोटिन की कमी से नेल्स एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके हेयर फॉल्स या हेयर थिनिंग के प्रॉब्लम है तो बायोटिन की डेफिशिएंसी हो सकता है। मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड का बायोटिन मिल जाता है। तो दोस्तों आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अलग अलग कैप्सूल परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जेनिथ न्यूट्रिशन की विटामिन B100 कॉम्प्लेक्स परचेस कर सकते हैं। आपको बस एक कैप्सूल लेना पड़ेगा पर डे, आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी ले सकते हो। अगर आप जेनिथ न्यूट्रिशन की B100 कॉम्प्लेक्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाइए और उस लिंक से परचेस कीजिए और अच्छे से डिस्काउंट का लाभ उठाइए। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।